सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अंदर लर्निंग वीडियो। डिस्कस करते हैं आज बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिली और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। तो देखिए, जो हमने डिस्कस किया हुआ था आज के मार्केट के इंपॉर्टेंट के लेवल्स के लिए, तो देखिए क्या हुआ था मार्केट के अंदर। हमने डिस्कस किया हुआ था कि कहीं ना कहीं मार्केट, अगर कल हमारा जो क्लियर व्यू है यहाँ पे कि पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद डाउन साइड के लिए आया हुआ है। अगर मार्केट का इस लेवल के बिलो रेड कैंडल में क्लोजिंग करता है तो कहीं ना कहीं आपको देखिए इस लेवल के आसपास हमारा फर्स्ट लेवल था, वो अचीव होता हुआ देख सकता है। उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ हमने और भी लेवल्स डिस्कस किए हुए थे, यहाँ पे 45,200 या फिर 300 के अराउंड हमने सेकंड लेवल दे रखा था। तो मार्केट ने देखिए हमारा क्या क्या यहाँ पे फर्स्ट लेवल के नीचे, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फर्स्ट लेवल अचीव किया। उसके बाद इसी रेंज के ऊपर मूवमेंट करता रहा होल डे मार्केट ने, और हमें एक क्या देखने को मिला, फॉलिंग। यहाँ पे अगर बात करें तो एक ट्रायंगल देखने को मिला, और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक डाउन साइड के लिए ही मूवमेंट कर रहा था। लोगों को लगा कि यहाँ से ओवरऑल मार्केट एक डाउन साइड के लिए जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केट जब यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट करती है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है। देखिए, जब भी मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, जब भी एक नया, बात करें तो लो तो नया नहीं बन रहा है, लेकिन बात करें तो एक हाई, उसका हाई हर बार छोटा होता जा रहा है, तो लास्ट में जब ब्रेकआउट मिलता है तो पुट साइड के लिए कि बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अप साइड के लिए हाईली चांसेस होते हैं। तो मार्केट ने देखिए लास्ट में क्या किया, होल डे मार्केट ने मूवमेंट किया, और फाइनली जब देखिए मार्केट ने सस्टेन कर ली कैंडल, तो बोल सकते हैं कि हाँ फाइनली मार्केट ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे, यानी कि ट्रेड लाइन पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी देखेंगे क्या कुछ अच्छा खासा क्लियर देखने को मिला है। तो देखिए, कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा कैंडल की क्लोजिंग बाहर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है कैंडल को। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात है, जो कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट था वो अब काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, यानी कि कल अगर मार्केट के अंदर 45,770 ये मेरा रेजिस्टेंस है 70 और 80 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कल क्लोजिंग देता है, यानी कि ओपनिंग पे क्लोजिंग देता है कैंडल यहाँ पे ग्रे कैंडल, तो अच्छा खासा आपको जाना है यहाँ पे मार्केट के अंदर 45,880 का फर्स्ट लेवल होगा, और दूसरा लेवल 46,000 का देखने को मिल सकता है। ये रहा मेरा कॉल साइड का कल का व्यू। और बात करें यहाँ पे पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तो मार्केट देखिए एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट ने देखिए बहुत 2 दिन तक मार्केट इसी रेंज में रहा है। देख सकते हो कि मार्केट ने 2 दिन इसी रेंज में ही यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, कॉन्सोलिडेट किया है। तो अगर मार्केट, देखिए हमने बात किया हुआ है कि मार्केट जब भी अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है बहुत टाइम के बाद, या फिर थोड़ा सा टाइम इंटरवल मार्केट ने उस लेवल पर कॉन्सोलिडेट किया है, तो मार्केट उस लेवल पे एक हमें रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, रिटेस्ट करता है तब वो मूवमेंट करता है, तब वहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर बहुत जल्दी ही लेवल्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता कि मार्केट रिटेस्ट करेगा फिर से वहाँ पे उसके बाद फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है हमें यहाँ पे, और एक बहुत टाइम के बाद ब्रेकआउट दिया है, करीबन 2 दिन के बाद दिया है, तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पे रिटेस्ट करने आ जाए। अगर रिटेस्ट करने नहीं आती तो भी हम कॉल साइड के लिए निकल जाएंगे, और मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आती है तो डायरेक्टली हम पुट साइड के लिए नहीं जाएंगे, वेट करेंगे इस लेवल के आसपास तक, हम वेट करेंगे इस रेंज के आसपास, हम कहीं ना कहीं वेट करेंगे इस रेंज के अंदर। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के अंदर नहीं आ जाती तब तक हम कोई भी डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, ना ही तो हम फेवर करेंगे कि हम पुट साइड के लिए जाएं। यानी कि क्या करना है हमें, कल के दिन वेट करना है इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट के अंदर गैप अप भी होता है तो थोड़ा सा, मार्केट गैप अप के बाद भी थोड़ा सा डीप आता है, अगर डीप भी आता है तो कोई बात नहीं, मार्केट जैसे अपने हाई को ब्रेकआउट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, अच्छे खासे हम कॉल साइड की पोजीशंस बनाएंगे, और अपने ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स। मार्केट इस लेवल के ऊपर भी अगर ओपन देता है तो भी अच्छा खासा हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं, और मार्केट अगर इस रेंज के अंदर भी देता है तो वेट करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर करेगा, ओपन करेगा, तो अगर मार्केट सपोज करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे हाई पे ओपन हुआ है, हाई पे ओपन हुआ है, तो वेट करेंगे। जैसे मार्केट हाई को ब्रेक करेगा तो इस लेवल तक जाएंगे, इस लेवल तक जाएंगे, प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और जैसे ही मार्केट के अंदर होगा, आपको होल्ड भी करना है तो होल्ड करिए मार्केट के अंदर कॉस्ट ऐसे लगा के, हो सकता है मार्केट इस लेवल के नीचे फिर से आ जाए। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, रेंज के अंदर आता है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे, इस लेवल के आसपास तक टच करे, उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक अपसाइड के निकल जाए। यानी कि हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए, हमें रिस्क बहुत ही कम लेना है, प्रॉफिट पे पहले फोकस करना है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ओपनिंग के बाद एक अपसाइड के लिए जाए, थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिले, रिटेस्ट करे, फिर से निकल जाए, इस तरीके से भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि मार्केट ओपन करे, अपसाइड के लिए जाए, डाउन के लिए आए, थोड़ा सा वेट टाइम स्पेंड करे इस लेवल के आसपास, 2-3 बार मार्केट टच करे, और हो सकता है फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें इन सब पॉसिबिलिटीज़ को मार्केट के अंदर माइंड में रखना है कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कब कब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट कन्फर्म होगा और कब कब फेक होगा। तो इसी तरीके से हमें देखना होता है कि जब मार्केट नीचे से भी अगर
मार्केट को रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी तो 2 से 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन देगी, और हो सकता है कि तीसरी बार रिजेक्शन पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाए, हो सकता है दूसरी बार भी रिजेक्शन पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। यानी कि क्लियरली एक अपसाइड के लिए मूव नहीं करता मार्केट, एक बार अपसाइड या के लेवल के जाने के बाद थोड़ा सा सेलिंग होती है। सेलिंग का मतलब होती है कि जो होल्डिंग वाले ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को थोड़ी बहुत सेल करते हैं, उस सेल करने की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आती है जो कि वहाँ पे पुट साइड ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, उसके बाद फिर से मार्केट एक अपसाइड के लिए निकलती है। तो जब निकलती है वो होता है क्लियर रेंज, ये यानी कि ये वाला जो अपसाइड के लिए जा रहा है ये होता है क्लियर रेंज, ये मार्केट के अंदर अपसाइड के लिए गया। यहाँ पे कुछ होल्डिंग अपनी सेल करते हैं ट्रेडर्स, यानी कि होल्डिंग जो पोजिशनल होते हैं वहाँ पे वो सेल करते हैं यहाँ पे इस लेवल के आसपास से, जो फिर यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं पुट साइड की ट्रेड्स के अंदर ट्रैप होते हैं, कुछ लोग के अंदर जो पोजीशन बनी होती है कॉल साइड के लिए वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अच्छा खासा एक अपसाइड के लिए मूव करता है मार्केट। तो ये होता है एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं कि मार्केट में जैसे एक स्पाइक आई हमने थोड़ी सी एंट्री बना ली और जैसे मार्केट थोड़ा सा डीप गया हमने सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर हमें कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ मार्केट के लेवल्स प्रोजेक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, तभी अच्छी खासी हमें एक जो मूवमेंट आता है ये वाली मूवमेंट होती है उसके अंदर हम कैप्चर कर सकते हैं इस मूवमेंट को। तो ये हो गया मेरा कॉल साइड का व्यू, और पुट साइड के लिए व्यू डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर भी आता है तो वेट करेंगे कहीं ना कहीं फिर से कल के लिए, कि अगर 45,600 के लेवल के बिलो, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी इस लेवल के आसपास, इस रेंज के आसपास। तो अगर हो सकता है क्लोजिंग दे दे मार्केट के अंदर कल, या फिर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आपको लेवल देखने को मिल सकता है 45,290 का, एग्जैक्ट आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छा वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर कर दीजिए।